मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए अपने मन में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखिए, कुछ नया करने की इच्छा रखिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो उसको ये सोचकर फेस करिए कि ये मुझे और अच्छा करेगी। इससे मुझे कोई ना कोई फायदा तो जरूर होगा, क्योंकि हर अंत में भी एक नई शुरुआत छुपी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपाली छाबड़ा आपके लिए लेके आई हूँ हाफ ईयरली हॉरोस्कोप। आइए जानते हैं कि ये आने वाले 6 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे। दिस हॉरोस्कोप इज फॉर स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन। हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट रहेगा हेल्थ। कार्ड आया है द एम्परर। एम्परर का कार्ड ये बताता है कि आप अपनी हेल्थ की रिगार्डिंग बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, रिजिड हो गए हैं। अगर आपका हेल्थ रिजीम वर्क नहीं कर रहा है या आपकी कोई ट्रीटमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है तो प्लीज उसको चेंज कर लो। चेंज आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स जरूर देगा। अगर कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं और वो फायदा नहीं कर रहा तो आप होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक पे भी स्विच हो सकते हैं। डू टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज रिलेशनशिप। कार्ड आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जो ये बता रहा है कि आपने अपने पास्ट नेगेटिविटी को ओवरकम कर लिया है और अब टाइम आपके लिए एक नई बिगनिंग लेके आया है। अब आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं। आपको ये एक ब्रेक थ्रू देगा आपके रिलेशन में। अपनी गलतियों की वजह से अगर आपने कोई अपना रिलेशन खराब कर लिया है तो ये टाइम है उसको सुधारने का। ये ब्रेक थ्रू आपको अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने में मदद देगा। नाउ आवर नेक्स्ट एस्पेक्ट इज बिजनेस एंड करियर। कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ले ली हैं। आप प्लीज अपना वर्कलोड शेयर कीजिए और अपनी प्रॉब्लम्स को 1 by 1 सॉल्व कीजिए। आपको न्यू बिगिनिंग जरूर मिलेगी। आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक साथ उठाकर फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं और इस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए अपना काम शेयर करें ताकि आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सकें। Now let's move on to our major aspect, that is tarot guidance. Tarot guidance card आया है death. Death का card आपको ये guide कर रहा है कि आपकी life में कोई change जरूर आएगा। उस change को accept कीजिए। Don't be hopeless because it will bring a new beginning for you. अगर कोई चीज खत्म हो रही है तो वो एक नई शुरुआत लेकर जरूर आएगी। अब चलते हैं अपने लक की तरफ कि आपके लिए लकी क्या रहेगा। सो द लकी नंबर्स आर 9, 1, 4। लकी डेज आर मंडे, संडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे। एंड लकी कलर्स आर रेड एंड वायलेट।